हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 13 दिसंबर और हर रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 को लेकर, आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन को लेकर, इसके साथ ही क्रिकेट को लेकर हमारे सामने सात काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के फैंस हैं, आईपीएल के फैंस हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइज अगर आप बीबीएल या फिर किसी भी मैच का 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो देव प्रिडिक्शन को कॉन्टेक्ट जरूर करें, इनकी सारी डिटेल्स आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले लगातार हमें आठों की आठों फ्रेंचाइज की तरफ से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, और ऐसे में सारी फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट की साइड से अब ये सारी न्यूज भी निकल कर आ रही है कि कौन कौन से प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में टारगेट करने वाले हैं। और गाइस पांच ऐसे प्लेयर्स के नाम निकल कर सामने आए हैं जिन पर यह बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी बिडिंग नहीं होने वाली है, यानी कि इनको कोई भी टीम अपनी फ्रेंचाइज में शामिल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे पांच प्लेयर्स में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है केदार जाधव का, दूसरे नंबर पर नाम आता है उमेश यादव का, तीसरे नंबर पर नाम आता है पीयूष चावला, चौथे नंबर पर नाम आता है हरभजन सिंह और पांचवें नंबर पर नाम आता है एरन फिंच का। रिपोर्ट्स की माने तो ये पांच ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सारी फ्रेंचाइज ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी कि इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट यहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि ये पांचों काफी ज्यादा बड़े प्लेयर हैं और ऐसे में उम्मीद थी कि कोई ना कोई टीम इनको जरूर खरीदेगी, लेकिन इनके ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए इन पांच प्लेयर्स में से क्या आपको लगता है कि कोई प्लेयर्स आईपीएल 2021 में यहां पर सेल हो सकते हैं, वो किसी टीम में जा सकते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के पहले मैच को लेकर। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हो तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आईपीएल 2021 के लिए बीसीसीआई ने अब शेड्यूल की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत ही बड़ा हिंट दिया था कि इंडिया और जो इंग्लैंड के बीच की सीरीज है वो हमें 28 तारीख तक देखने को मिलेगी, उसके बाद 12 से 14 दिन का गैप प्लेयर्स को दिया जाएगा ताकि वो वापस से थोड़ा सा रेस्ट कर ले और पूरी तरीके से तैयार हो जाए आईपीएल के लिए। और गाइज उसके बाद 10 अप्रैल एस्टिमेटेड डेट आ चुकी है कि 10 अप्रैल से हमें आईपीएल का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा, और ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर साल पहला मुकाबला होता है लास्ट ईयर की दो फाइनलिस्ट टीमों के बीच में। तो आईपीएल 2020 की फाइनलिस्ट थी मुंबई इंडियंस और उनके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स, तो इन दोनों के बीच में 10 अप्रैल को हमें आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला देखने को मिल सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला कौन कौन सी दो टीमों के बीच आप लोग देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से। मुंबई इंडियंस की टीम के सामने भी बिल्कुल सेम दिक्कत निकल कर सामने आ रही है जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के सामने आई थी, और ये दिक्कत है मेगा ऑक्शन में आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया जाए और कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन किया जाए। अगर हम एमआई की बात करें तो हम सबको पता है कि अगर मेगा ऑक्शन होता है तो एमआई की टीम को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर ये अगले साल कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन इस टीम को इससे बेटर नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी टीम खराब ही होगी मेगा ऑक्शन होता है तो। और गाइज ऐसे में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और किरण पोलार्ड को तो ये टीम पक्का से रिटेन करने वाली है, लेकिन दो ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बीच में एमआई की टीम बिल्कुल पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। ये दो काफी बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने एमआई की सक्सेस में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है ईशान किशन का और दूसरे नंबर पर नाम आता है सूर्य कुमार का। अब मुंबई की दिक्कत यह है कि इन दोनों में से जिस भी प्लेयर को रिटेन किया जाता है दूसरा वाला प्लेयर ऑक्शन में चला जाएगा, और ऑब्वियसली सात फ्रेंचाइज हैं मुंबई के अलावा भी जो कि इनके ऊपर पैसा लगाएंगे, तो एमआई के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोस्ट प्रोबेबली ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से जो भी ऑक्शन में जाता है उसको कोई और टीम ले लेगी, मुंबई इंडियंस के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से किसको एमआई की टीम को रिटेन करना चाहिए और किसको रिलीज करना चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत ने कल भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में 73 बॉल में अपनी सेंचुरी लगा दी। काफी ज्यादा हमें वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिस ऋषभ पंत को हमने आईपीएल में मिस किया था। आईपीएल में हमने देखा था कि अपनी इनिंग को डीप ले जाना चाह रहे थे, जो कि उनका स्वाभाविक खेल नहीं है, वहां पर काफी ज्यादा बॉल वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद आउट हो जा रहे थे।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने अटैकिंग बैटिंग की और एक टेस्ट मैच में 73 बॉल में सेंचुरी मार दी। और गाइज इसके बाद ट्विटर पर ऋषभ पंत ट्रेंड होने लगे, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ने बताया है कि रिकी पोंटिंग को यहाँ पर दूर रखा जाना चाहिए ऋषभ पंत से, क्योंकि पोंटिंग ने ऋषभ पंत को बोला है कि उनको सेंसिबली बल्लेबाजी करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं रिकी पोंटिंग की वजह से ऋषभ पंत का जो अपना गेम है यानी कि उनका अटैक करने का जो गेम है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलते हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि रिकी पोंटिंग को ऋषभ पंत से दूर रखा जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है, किस तरीके की बल्लेबाजी ऋषभ पंत को करनी चाहिए, क्या उनको सेंसिबली खेलना चाहिए या फिर जो उनका स्वाभाविक खेल है आप लोग वही उनको खेलते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल की तरफ से। रसेल की बात की जाए तो पूरे आईपीएल 2020 के सीजन में काफी ज्यादा इन्होंने डिसअपॉइंट किया, चाहे वो इनकी इंजरी के कंसर्न हो, क्योंकि काफी ज्यादा ये इंजर्ड रहे, उसके बाद इनकी फॉर्म भी काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट थी। और ऐसे में केकेआर की टीम सबसे बड़ा प्लेयर उनका आंद्रे रसेल, लेकिन उसने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया। यही वजह थी केकेआर की कि वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब रसेल ने खुद इसका रीजन बताया है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे आईपीएल 2020 में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एज अ बैट्समैन उन्होंने सब कुछ करने का ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी चीज उनके पक्ष में नहीं गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग अलग तरीके की बैटिंग अप्रोच यहां पर करने की कोशिश की, उन्होंने सेंसिबली बैटिंग करने की कोशिश की, उन्होंने पहली बॉल से अटैक करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि फॉर्म ने उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और उसके साथ ही उनकी इंजरी ने चीजें उनके लिए और भी ज्यादा खराब कर दी और केकेआर की टीम को यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो काफी अच्छी बात है कि आंद्रे रसेल ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है और हमें पता है कि रसेल का परफॉर्मेंस कैसे भी हो केकेआर की टीम उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली है। तो ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताइए आंद्रे रसेल क्या आपको लगता है कि आईपीएल 2021 में धमाका करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। और गाइज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना के नाम को आईपीएल की ऑफिशियल साइट से भी अब रिमूव कर दिया है। अगर आप लोग आईपीएल की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आठों फ्रेंचाइज के सारे प्लेयर्स के नाम और फोटोज और उनकी डिटेल्स होती हैं, लेकिन गाइज अगर आप सीएसके की टीम के कॉलम पर जाते हो और वहां पर प्लेयर्स के नाम देखते हो तो सुरेश रैना को वहां से बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है, क्योंकि रैना ने कहा था कि वो आईपीएल में रिटर्न करने वाले हैं आईपीएल 2021 में, वो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेलेंगे। तो ऐसे में सीएसके का रैना के नेम को रिमूव करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो अब रैना में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या आप लोग कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से रैना को रिटेन किया जाना चाहिए या फिर आपको इस बिहेवियर को देखकर लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है और रैना रिलीज किए जाएंगे। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज के दिन की सातवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है बिग बैश लीग यानी कि बीबीएल की तरफ से। सारी टीमों ने अब अपने अपने जो टैलेंट स्काउट है उनको बता दिया है कि बीबीएल पर उनको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बीबीएल टी20 टूर्नामेंट है जहां पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं जो कि आईपीएल में खेल सकते हैं, जिनको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, वो आते हैं। और ऐसे में सारी टीमों के मैनेजमेंट ने अब अपनी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, वो बीबीएल के प्लेयर्स पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे और अगर उन्हें लगता है कि कोई खिलाड़ी ज्यादा ही अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर ऑक्शन में वो आसानी से पैसा लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को स्काउटिंग बोलते हैं। तो सारी टीमों के स्काउट ने अपनी अपनी यहां पर तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, बीबीएल पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि बीबीएल के बाद हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में सारी टीमों ने अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आप लोग बीबीएल के प्लेयर्स के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हो कि बीबीएल के वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप लोग आईपीएल में यहां पर देखना चाहते हो, कौन सी टीम में वो आएंगे। अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो हम लोग वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।